रेवाड़ी के धारोहेड़ा में पति ने पत्नी के प्रेमी को मारी गोली। पति ने पत्नी के प्रेमी को कनपटी पर मारी गोली, निजी अस्पताल में भर्ती। प्रेमी के साथ लव इन में रह रही थी पत्नी और इसी बात से खफा चल रहा था महिला का पति मनोज। और यहां पर आपको बता दें कि धारोहेड़ा की एक कॉलोनी में राजस्थान निवासी 19 वर्षीय मनीष मनोज की पत्नी के साथ रह रहा था लिव इन में। मनोज ने मनीष के घर पर पहुंचकर पत्नी के सामने ही मारी गोली। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हां, रेवाड़ी के धारोहेड़ा में एक पति ने पत्नी के प्रेमी को कनपटी पर गोली मार दी। घायल प्रेमी का रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं धारोहेड़ा पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पत्नी प्रेमी के साथ धारोहेड़ा की कॉलोनी में लिव इन में रह रही थी। पति इसी बात को लेकर खफा चल रहा था। और आपको बता दें कि धारोहेड़ा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर निवासी 19 वर्षीय मनीष धारोहेड़ा में एक महिला के साथ करीब 15 दिन से लिव इन में रह रहा था। बताया जा रहा है कि महिला की शादी मथुरा निवासी मनोज कुमार से हो रखी है, लेकिन महिला मनोज को छोड़कर लिव इन में मनीष के साथ रह रही थी। और इसी बात को लेकर मनोज खफा चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मनोज 3-4 दिन पहले धारोहेड़ा पहुंचा था और इसके बाद मनोज मनीष व पत्नी के कमरे पर पहुंचता है और रात करीब 12 बजे मनीष की कनपटी पर पिस्टल लगाकर गोली मारकर फरार हो जाता है। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मनीष को रेवाड़ी शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां वह उपचाराधीन है।